नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझो ना नहीं पर चाहिए सुप्रीम पावर न्यूज का आपसे मिलने प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज के लिए आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में निधन हो गया। वहीं डॉक्टर प्रीत समदानी ने कहा, लता मंगेशकर जी को निमोनिया का पता चलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जनवरी की शुरुआत में उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव भी आया था। वह 3 सप्ताह तक वेंटिलेटर पर थी, लेकिन 28 जनवरी को सुधार के लक्षण दिखने के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। आज उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वापस वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन आज उनका निधन हो गया। यह भारत के लिए सबसे दुखद घटना है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। क्या कहा नितिन गडकरी जी ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। लता, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना।